Welcome in our today's class. Today we are going with notice writing. So in this class we know कि हम notice writing क्यों लिखते हैं, उसका format क्या होता है, content क्या होना चाहिए और main purpose और agenda क्या होता है. So first we go with कि notice होती क्या है actually. Notice is a written or printed, वो कुछ भी हो सकती है, written matter हो सकता है या printed matter हो सकता है. On news announcement or information, कुछ भी ऐसा, या तो कोई आप news announcement कर रहे हैं, कोई जानकारी देना चाहते हैं, कोई information देना चाहते हैं, और इसमें वो information ऐसी हो सकती है that has happened, जो कि हो चुकी होगी या likely to happen या कुछ ऐसा होने वाला होगा, तो उसके regarding हम notice writing लिखते हैं. So finally जो notice can be, notice जो है वो किसी भी matter पे हो सकता है. It can be on a meeting, any event, any excursion, lost, found, कोई tour, picnic, कुछ भी, कोई भी कोई matter हो सकता है जिसके लिए आपको कोई information देनी है, कोई news announce करना है, वो कोई भी matter पे आप notice writing कर सकते हैं. But today here in this class we basically deal about our school notices. जैसे notice आपके school boards के लिए होते हैं, magazine के लिए होते हैं, आप newspaper के लिए भी notices आते हैं, but आज की class में हम particular यो notice writing को deal करेंगे जो हमारे board exams में आते हैं. हम student purpose से notice writing को deal करेंगे. So let's move to the other, the format of the notice. So students, in exam notice is asked of the 4 marks, and this 4 marks divided into format, content, expression. Format for 1 marks, content for 2 marks, and expression is also for 1 marks. So these 4 marks are divided into like this. Format for 1, content 2, and expression 1. So as we talking about the format, अगर हम format की बात करते हैं तो first of all notice में सबसे पहला rule होता है this box. You have to make a box. अब box के लिए आप पहले complete box पूरा कभी मत बनाइए, आप इसको 3 sides से cover करिए. Last जो आपका line box का जिसको आप close करेंगे वो हमेशा open रखिए. और जब भी आप बॉक्स बनाएंगे तो आप ट्राई करिए उसके मार्जिन से लिखना स्टार्ट करिए, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी का नेम होता है. इश्यूइंग अथॉरिटी का नेम मीन्स अगर आप अपने स्कूल के लिए कोई नोटिस निकाल रहे हो तो यहाँ पे स्कूल का एक नेम होगा और उस स्कूल से आप बिलोंग करते हो और आपको उसी के लिए पब्लिश करना है, तो स्कूल का नेम यहाँ पे होगा. जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा या स्कूल का नेम होगा, फर्स्ट वो आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी होगी, तो उसको आप यहाँ लिखेंगे. एंड दैट नेम इट नॉट इन कैपिटल लेटर. ये नेम कभी भी आपका कैपिटल लेटर में नहीं होगा, इसके सिर्फ आपके जितने भी स्कूल नेम के जो फर्स्ट हेडिंग होंगे दैट विल बी ओनली कैपिटल. और ये देने इसके बाद आपका डेट होना है, और डेट मैं बोलती हूँ आपको कि आप जब भी इंग्लिश में डेट लिखते हैं तो आप ये प्रेफर करिए इधर कि आप नंबर्स में लिखिए, नंबर्स में नहीं, आपको इंग्लिश में डेट लिखनी तो आप हमेशा इस तरह से डेट लिखिए. सो इश्यूइंग अथॉरिटी के नेम के बाद आपको डेट डालना है, एंड डेट के नेक्स्ट आपको नोटिस वर्ड डालना है, और ये नोटिस वर्ड हमेशा आपका कैपिटल होगा. और इसमें इश्यू है कि डेट हम लेफ्ट करें राइट करें, कहाँ आफ्टर नोटिस लिखे और बिफोर नोटिस लिखे, तो ये मैटर नहीं करता है. आपके स्कूल ने जैसा बताया है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट प्रिफरेंस इसको दिया जाता है कि जब भी आप अथॉरिटी का नेम लिखते हैं उसके नीचे आप डेट डालिए, देन आप नोटिस पे आइए. देन आफ्टर नोटिस, ये हेडिंग, ये नोटिस का जो टाइटल लगाने के बाद हमको नोटिस NOTICE लिखना ही है वहां पे कैपिटल में. देन हमारी बात आती है हेडिंग और टाइटल की. इसके बाद हम हेडिंग और टाइटल लगाते हैं जो एक्चुअली आपका सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस होता है. जिस सब्जेक्ट के लिए आप नोटिस का कंटेंट रेडी करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका बनता है हेडिंग और टाइटल, आप उसको लिखिए. हेडिंग और टाइटल भी कभी भी कैपिटल में नहीं होता, उसका आप फर्स्ट लेटर जो है, एवरी वर्ड आप जो फर्स्ट लेटर होता है उसको आप कैपिटल कर सकते हैं, बट पूरा का पूरा हेडिंग, पूरा का पूरा टाइटल जो है वो कैपिटल में नहीं होगा. देन आपकी बात आती है कंटेंट की. अब कंटेंट में ये चीजें इंक्लूड करना जरूरी है, क्या होना चाहिए, व्हाट, क्या है, किस चीज के बारे में आप जा रहे हैं नोटिस लिखने,
और जो भी है वो कब है, उसका टाइम क्या है, क्या प्लेस है, कहाँ पे होना है, और हाउ, उसका जो भी है वो कैसे होना है, क्या प्रोसेस है उसका। तो ये सारी चीजें आपको कंटेंट में डालना मस्ट है, और ये सारी चीजों को इंक्लूड कर लेता है अपने आप लिए डेट, टाइम, वेन्यू एंड एजेंडा कि कैसे प्रोसेस में आएगा, कहाँ होगा, कब होगा, क्या है ये, तो ये सारी चीजों को वो अपने आप में कवर कर लेता है। तो कंटेंट में आपको इन चीजों को लेके डालना ही डालना है, तो आपका कंटेंट कंप्लीट होगा। देन बात आती है आपके साइन की। ये साइन उस अथॉरिटी का होता है, उस पर्सन का होता है जिसने इस नोटिस को इश्यू किया हो। जस्ट लाइक आपके क्वेश्चन में बोला गया हो कि एज अ हेड गर्ल और हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, तो ये जो साइन होगा ये उस हेड गर्ल हेड बॉय का साइन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन होगा, जस्ट लाइक कि आई एम साइन हियर, तो यहाँ पे साइन होगा। देन उस पर्सन का नेम होगा, और नेम हमेशा ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट से बाहर नेम नहीं होगा। और नेम ब्रैकेट में देने के बाद उस पर्सन का डेजिग्नेशन होगा। डेजिग्नेशन मीन्स वो पोस्ट होगी जिस पोस्ट पे वो नोटिस को इशू कर रहा है। अब हेड गर्ल है, हेड बॉय है, तो वो चीज यहाँ पे वो लिख देंगे कि हेड गर्ल और हेड बॉय जो भी है। सो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट है जिसपे आपको अपनी नोटिस रेडी करनी होती है। सो दीज आर योर की पॉइंट्स जिसको आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेना है। इफ यू गेट अ फुल मार्क्स दीज फोर मार्क्स, मैंने आपको पहले बताया है कि आपका जो फोर मार्क्स है वो डिवाइडेड है फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन में। फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कंटेंट में क्या चीजें इंक्लूड करनी है दैट आई टोल्ड यू। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो होता है दिस इज बेसिकली ऑफ योर रेलिवेंट टू द टॉपिक। आपका जो कंटेंट है वो कितना रेलिवेंट है आपके टॉपिक से, आपके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन से जो कि नोटिस पे दिया है, दैट इज द एक्सप्रेशन। इसमें आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक और रेलिवेंट टू द कंटेंट दो चीजें आपकी चेक होती हैं कि कितनी ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो नोटिस में ग्रामेटिकल मिस्टेक वैसे भी बहुत ज्यादा होने के चांसेस नहीं होते क्योंकि आपको बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड्स लिखने होते हैं और ज्यादातर आपके आंसर्स आपको अपने क्वेश्चन से ही पिकआउट करना होता है। तो ये तो हो गई आपकी मार्किंग स्कीम की बात। ये आपके की पॉइंट्स है जिनको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है कि मुझे ये सारी चीजों को नोटिस के अंदर में डालना है टू गेट फोर फुल मार्क्स। फर्स्ट थिंग आपको नोटिस में बॉक्स बनाना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। सेकंड, इशूइंग अथॉरिटी का नेम लिखना है जो कि कैपिटल में होगा। वो नेम कोई भी हो सकती है, इसलिए कोई क्लब हो सकता है, कोई एसोसिएशन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इशूइंग अथॉरिटी जो नोटिस को पब्लिश करा रहा है और वो कैपिटल में होगा उसका नेम। देन आपका जस्ट इसी के नीचे आपका डेट आएगा। आफ्टर डेट आपको वर्ड नोटिस लिखना है जो कि ऑलवेज इन कैपिटल होगा। ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगा, यहाँ मैंने सिर्फ ये नोटिस वर्ड को इंडिकेट करने के लगाया था। ये आपका ऐसे ही नोटिस वर्ड लिखा जाएगा। इसके बाद आता है आपकी हेडिंग और टाइटल जो कि आपका सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस होगा। वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत लंबा सा हमको हेडिंग और टाइटल नहीं बनाना है, प्रिसाइज होना चाहिए। कंटेंट में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि क्या क्या चीजें उसमें आनी चाहिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये चीजें आप इंक्लूड करेंगे आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। देन अंडरसाइन, आफ्टर कंटेंट आपको अंडरसाइन लगाना है। अंडरसाइन में क्या चीजें होती है, जिसने भी नोटिस को इश्यू किया है, जैसे कोई क्लब है तो उस क्लब का इंचार्ज है, वो इंचार्ज ने नोटिस इशू की है तो उसका साइन हमें चाहिए। वो नोटिस में नीचे साइन करेगा हाँ कि ये ऑथराइज पर्सन ने नोटिस इशू किया है, तो उसका साइन आ होना चाहिए। साइन के बाद उसका नेम ब्रैकेट में आएगा, देन उसका डेजिग्नेशन कि वो किस पोस्ट पे है जिसने नोटिस इशू करी। देन यूज इम्पर्सनल लैंग्वेज, आपको नोटिस में पर्सनल लैंग्वेज नहीं यूज करना है। अवॉइड करिए आई एंड यू, ऑलवेज यूज इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को आपको यूज करना है नोटिस राइटिंग में। जब भी हम फॉर्मल राइटिंग करते हैं तो हम वी शुड ट्राई टू यूज राइट इन थर्ड पर्सन, हमेशा हमें थर्ड पर्सन ट्राई करना चाहिए। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है वर्ड लिमिट। आपकी नोटिस की वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स, तो आपको इसी वर्ड लिमिट में नोटिस कंप्लीट करना है। ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होता है कि अगर आप 50 वर्ड्स एक्सीड करेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता है। कभी कभी आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा होती ही है। बट आपको वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है, एक्सीड करने से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, आपका टाइम भी किल होगा। तो वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स आप उसको कवर करिएगा। और ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी जो ये वर्ड लिमिट है वो फॉर्मेट से स्टार्ट होती है, नहीं, वर्ड लिमिट आपका कंटेंट और सारी चीजें लेकर के होता है। ठीक,
आई होप कि आपको बहुत अच्छे से नोटिस फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। एक चीज मुझे बोलनी है, जब आप नोटिस के लिए बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स पर आते समय जब आप इश्यूइंग अथॉरिटी का नेम डालते हैं तो उस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए अथॉरिटी का नेम, ना कि बिल्कुल इस कॉर्नर में हो जाए या तो उस कॉर्नर में हो जाए, बिल्कुल उस कॉर्नर के मार्जिन तक टच हो जाए, ऐसा नहीं। जो भी इश्यूइंग अथॉरिटी का नेम होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा। डेट आपका जो है टॉप पे होगा इशूइंग अथॉरिटी के बाद, नीचे जो आपका आएगा वो डेट होगा साइड में, लेफ्ट साइड में। फिर आपका जो ये वर्ड नोटिस आता है ये बिल्कुल उसके जो आप अथॉरिटी का नेम डालोगे इसके सेंटर में आपका वर्ड नोटिस आएगा। और जब ये हेडिंग और टाइटल लगाते हो आप तो हेडिंग और टाइटल भी वो भी सेंटर में आएगा। इसको आप ना तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ना तो राइट शिफ्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।